पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के विरोध में निर्मात्री ट्रस्ट ने आज शिमला में डीसी की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अधिवक्ता शीतल व्यास ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। निर्मात्री ट्रस्ट से जुड़ी जो बहनें हैं, हम शिमला के कोने कोने से यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर, हमारा आज का उद्देश्य है अपना ज्ञापन देना। उपायुक्त के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं और इस ज्ञापन के पीछे हमारी एक वेदना है, एक पीड़ा है, जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही है, चाहे वो संदेश खाली की घटना है, चाहे कूच बिहार की, या जो दिनाजपुर में अभी आपने देखा होगा, जो वहां पे पश्चिम बंगाल में कंगारू कोर्ट के नाम पर एक महिला के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और जिसके चलते उन्होंने वहां पे आत्महत्या की, और टीएमसी के जो नेता है वहां पे कूच बिहार में, दिनाजपुर में जो चोपड़ा वहां पे जिला है, वहां पे जो एक पुरुष और एक महिला के साथ जो बेरहमी से उनकी सड़कों पर पिटाई की गई और वीडियोस को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया, और जो वहां के जो टीएमसी के नेता है वो खुद उनकी पिटाई जो वहां पे करवा रहे हैं, ये जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आज हम यहां पर राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है और वो ही महिलाओं के अधिकारों का बचाव नहीं कर पा रही है, वहां पर जो कानून प्रणाली है वो बिल्कुल ना के बराबर है, उसको वहां पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसका संज्ञान लें, और अगर वो ममता बनर्जी अगर वहां पे अपनी कानून व्यवस्था को नहीं बना पा रही है तो हम महिलाएं उनका इस्तीफा यहां से डिमांड कर रही हैं।